Welcome to the new project channel. Today's project we are demonstrate a new project, and the project name is WhatsApp management, WhatsApp contact management systems. Basically इस project के अंदर क्या होने वाला है और इसको project को बनाने का फायदा क्या है और इसको आप use कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इसको demonstrate कर सकते हैं अपने college या फिर आप interview के लिए जहाँ पर भी आप जाने वाले हो. तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये project आपके WhatsApp के contacts को manage करेगा. आप किसी को व्हाट्सएप करना चाह रहे हो तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना पड़ता है, एंड देन सेव करने के बाद आप उसको मैसेज करते हो. तो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करने वाले हैं, हम जो कॉन्टैक्ट सेविंग वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको जब किसी अननोन नंबर को व्हाट्सएप करना होगा तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं करना पड़े. आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसकी कंट्री ऐड करो, एंड देन उसका नंबर ऐड करो, एंड देन यहाँ पर मैसेज सेंड करो, एंड देन आप इस सेंड बटन को क्लिक करने के बाद उसको सेंड कर सकते हो. तो हम ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मैसेंजर के थ्रू. इसमें बेसिकली क्या है, हमने एपीआई को यूज़ किया हुआ है व्हाट्सएप की. जब भी आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करते हो, जो भी आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद एंड देन फिर आप यहाँ पर उसका नंबर ऐड करते हो, और वो वैलिड नंबर होना चाहिए, इनवैलिड नंबर को एक्टिवेट नहीं करेगा और ना ही उसको वार्निंग मैसेज शो कर देगा. और यहाँ पर आप मैसेज करके डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, और आप इसको व्हाट्सएप पर आपको अपने सिस्टम पर ही इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इसको होस्ट कर सकते हो कहीं पर भी. होस्ट करने के बाद आप उस वेबसाइट को एक्सेस करो अपने सिस्टम या लैपटॉप से, एंड देन या अपने मोबाइल से, और आप डायरेक्टली उसको मैसेज कर सकते हो. तो यहाँ पर हमारी हिस्ट्री दिखा देगा, जितनी भी आपने हिस्ट्री होगी आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी दिखा देगा. अगर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेव करना है कोई, तो आप क्रिएट करके कोई भी कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो. तो अभी हम पहले आप देख लेते हैं इसमें अंदर क्या क्या, किस किस वेबसाइट के थ्रू हमने इसको बनाया हुआ है. ये पूरा कंप्लीट इसका कोड रहा, ये हमने जेएस के अंदर इसको हमने बनाया हुआ है, और क्या क्या हमने यूज़ कर रखा है, ये सारी लाइब्रेरीज है इसके अंदर की. ठीक है, यहाँ पर इसका कोड है ये, तो आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो. एंड देन यहाँ से फिर हमने क्या करना है, अगर आप इसको कैसे सेटअप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. आपने क्या करना है, updatekit.com पर जाना है. ठीक है, इस पर जाने के बाद आपने यहाँ पर फ्री प्रोजेक्ट्स, या फिर आप जाके डायरेक्टली स्क्रॉल बार फ्री प्रोजेक्ट पर भी सिलेक्ट कर सकते हो. जब आप फ्री प्रोजेक्ट पर जाओगे तो आपको पहला ही नहीं, फ्री प्रोजेक्ट पर नहीं, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है व्हाट्सएप. आप इतना भी ऐड करोगे तो भी चल जाएगा और उतने में आपको दिखा देगा. तो व्हाट्सएप ऐड करोगे यहाँ पर तो सर्च करोगे उसको, एंड देन ये आपको व्हाट्सएप तो आपको यहाँ पर दिखा देगा ये सर्च हिस्ट्री में, ये पहले नंबर पर ही. तो जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाने वाली है कि आपको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाला है और क्या क्या आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए. आप अदर प्रोजेक्ट भी आगे चेक कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जावा के, C++ के, स्प्रिंग बूट के, अगर आपको वो उसमें भी इंटरेस्ट है. नोड जेएस और npm आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए. कैसे कैसे आपको इसको सेटअप करना है वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिफाइन कर रखा है, मतलब पूरे स्टेप्स यहाँ पर इसको एक एक लाइन मैंने इसको इसको डिफाइन कर रखा है. npm इंस्टॉल करना है, फिर आपने रन करने लाए, फिर आप जब इसको रन करेंगे तो आपको ऐसे कुछ इंटरफेस दिखने वाला है. आप जाके वीडियोस भी चेक कर सकते हो, इसमें पूरी वीडियोस मैंने ऐड कर रखी है कि कैसे इसको आप रन कर सकते हो. डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली. और मैं आपको अगर एक मैसेज करके शो करके दिखाऊँ तो कैसे दिखने वाला है. यहाँ पर जाएंगे हम, अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, एंड देन यहाँ पर एक नंबर ऐड करते हैं हम. पहले टेस्ट नंबर ऐड करके देखते हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लेगा गए. ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, एंड देन टेस्ट. तो यहाँ पर एक ये एपीआई के थ्रू व्हाट्सएप पर आ जाएगा. अगर ये पूछा है कंटिन्यू किसके थ्रू करना है, आपने कंटिन्यू करना है व्हाट्सएप के साथ या फिर आपको कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर पूछता है कि व्हाट्सएप डाउनलोड करना है या फिर यूज़ वेब एप्लीकेशन. तो आप वेब एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हो, बट अगर आप इसको मोबाइल के थ्रू एक्सेस करोगे तो डायरेक्टली आपके मोबाइल व्हाट्सएप पर चला जाएगा. और यहाँ पर अगर मैं कॉन्टैक्ट ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई रैंडम नंबर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में टेस्ट एंड देन कंट्री मैंने ये ऐड कर दिया, और मैं नंबर ऐड करता हूँ ये वाला. ठीक है, तो इसको सबमिट किया, ये इनवैलिड नंबर्स ने बता दिया, क्योंकि ये सभी नंबर्स को नहीं एक्सेप्ट करेगा, जो वैलिड नंबर होगा उनको एक्सेप्ट करने वाला है. तो ये प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. प्रॉब्लम क्या है कि आप अननोन नंबर का व्हाट्सएप नंबर आपको सेव करना पड़ता है, अननोन पर्सन है और उसको आपको मैसेज करना है, तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर पहले सेव करना पड़ता है, एंड देन सेव करने के बाद आपको फिर उसको मैसेज करना होता है. बट आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप इसको होस्ट करो कहीं पर भी फ्री होस्टिंग पर, या फिर आप डायरेक्टली इसको कहीं पर भी होस्ट कर सकते हो.
होस्ट करने के बाद आपने इसको अपने मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप में डायरेक्टली इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद उस कंट्री को ऐड करना एंड नंबर ऐड करना, एंड देन डायरेक्टली आप उसको मैसेज कर सकते हो बिना नंबर सेव करे हुए। सो ये आज का अपना प्रोजेक्ट था, थोड़ा यूनिक प्रोजेक्ट था, कोई मैनेजमेंट का नहीं है इसमें और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको बनाया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ